नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2020 का आज 29वां मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है और इस मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद की प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोनों टीमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं और साथ ही कौन से वो खतरनाक खिलाड़ी जो आज मुकाबले का पासा पलट सकते हैं। तो इस मैच से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट के एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही साथ आप भी चाहते हैं कि आज के मुकाबले में आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले को जीते तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक। तो आज दोनों टीमों का आईपीएल में 8वां मुकाबला है। चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 2 मुकाबले जीत पाई है 7 में से, तो वहीं पर सनराइज हैदराबाद ने 7 में से 3 मुकाबले जीते हैं। यानी कि दोनों टीमों की स्थिति आईपीएल 2020 में उतनी अच्छी नहीं है और बचे हुए मुकाबलों में इन्हें काफ़ी मुकाबले जीतने हैं। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को 7 में से 6 जीतने हैं, तो वहीं पर सनराइज हैदराबाद को 5 मुकाबले जीतने हैं 7 में से। तो दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला है। वहीं पर इस मुकाबले से पहले भी आईपीएल 2020 में दोनों टीमें आमने सामने हो चुकी है। तब चेन्नई सुपर किंग्स को सनराइज हैदराबाद ने 7 रनों से हरा दिया था। तो आज चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में सनराइज हैदराबाद से बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेगी और ये जीत चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं आज के इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 रहेगी, कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो आज के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करके अपनी टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करके जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। सनराइज हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं कप्तान डेविड वॉर्नर और उनके साथ होंगे विकेट कीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो। दोनों इस टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं और इन दोनों ने अब तक आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया है, तो एक बार फिर टीम को इनसे बहुत उम्मीदें रहेगी। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर इनफॉर्म मनीष पांडे उतरेंगे, तो 4 पर केन विलियमसन खेलेंगे। इन दोनों के ऊपर मिडिल ऑर्डर को संभालने की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि दोनों खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में भी है। तो वहीं पर नंबर 5 पर प्रियम गर्ग उतरेंगे, तो नंबर 6 पर अभिषेक शर्मा, तो वहीं पर नंबर 7 पर उतरेंगे विजय शंकर। तीनों खिलाड़ियों के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं पर अब इस टीम की गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं इस टीम के राशिद खान के अलावा संदीप शर्मा, टी नटराजन और खलील अहमद इस टीम की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभालने वाले हैं। खलील अहमद, टी नटराजन और संदीप शर्मा बेहतरीन तेज गेंदबाजी कर सकते हैं, तो वहीं पर राशिद खान इस टीम के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों में एक है और उन्होंने अब तक काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, तो उम्मीद है कि आज के मुकाबले में भी वो बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं शेन वॉटसन और फेफ डू प्लेसिस। दोनों के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इस मुकाबले को जिताने की। ये दोनों अगर चले तो यहाँ पर मुकाबला बड़ी आसानी से चेन्नई सुपर किंग्स जीत सकती है। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर उतरेंगे अंबाती रायडू भी बेहतरीन फॉर्म में है, तो वहीं पर नंबर 4 पर उतरेंगे नारायण जगदीशन। जगदीशन ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है अब तक, पहले ही मुकाबले में जहाँ तक इन्होंने बल्लेबाजी अच्छी करके दिखाई है, तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। तो वहीं पर नंबर 5 पर उतरेंगे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, इनके बल्ले से यहाँ पर रन निकलना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा उतरने वाले हैं, जडेजा का बल्ला इस समय बोल तो रहा है, तो वहीं पर 7 पर डीजे ब्राव उतरने वाले हैं, जबकि नंबर 8 पर सैम करन या फिर उनकी जगह पर जॉस हेजलवुड को मौका दिया जा सकता आज के मुकाबले में। इसके बाद नंबर 9 पर दीपक चायर, 10 पर कर्ण शर्मा और 11 पर सरदोल ठाकुर उतरने वाले हैं। टीम के 2 सबसे अहम गेंदबाज रहने वाले हैं दीपक चायर और सरदोल ठाकुर, वहीं पर कर्ण शर्मा काफ़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं इस आईपीएल में, तो इनसे भी आज के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद होगी। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स एक बदलाव कर सकती है, वो है यहाँ पर जॉस हेजलवुड को मौका दे सकती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम है मजबूत, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि कौन सी टीम आज का मुकाबला जीत रही है। धन्यवाद।